रही बात बीजेपी और एलाइज, एक मंत्र दे देता हूं विपक्ष को राज की बात। इस वक्त बीजेपी एकदम जो वो रामायण वाला बाली था ना, उसके रोल में आ गया है। जो सामने जाएगा आधी शक्ति वो खत्म कर लेता है, खींच लेता है। शिवसेना सामने आई, आधी शक्ति बीजेपी ने खींच ली। एनसीपी सामने आई, आधी शक्ति खींच ली। यूपी में शिवपाल अखिलेश यादव आए, आधी शक्ति खींच ली। भाई इस 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 प्रॉब्लम का, इस समस्या का कोई समाधान कर लीजिए। अपने आप मजबूत हो जाएंगे तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। फोकस उस पे करिए। मेरी शुभकामनाएं सारी पार्टियों को है भाई। आप 500 में से 500 सीटें जीते, हमें उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इतना कमजोर, मैं बोलता हूँ आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, जनता के लिए बड़ी लुभावनी भी है, और मैं ये भी बोलता हूँ जनता भी चाहती है, लेकिन आप एग्जीक्यूशन कर नहीं पाओगे। अभी प्लान बना नहीं है। सारे कैंडिडेट को एक्टिवेट करना, सीटों का बंटवारा, प्रचार करना, जन जन तक जाना, ये आसान काम है। जब तक आप लोग इसको डिसाइड करोगे तब तक तो पता चला चुनाव हो करके इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट भी दे दिया, तो फिर आप 2029 के लिए जो है प्रचार शुरू कर देंगे। थोड़ी गंभीरता से लीजिए। चुनाव 5 साल में एक बार आता है सर जी।